दोस्तों सीपीसी के ऑर्डर 23 के अनुसार आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट एट एनी टाइम प्लेंटिफ में प्लेंटिफ कर सकता है सभी डिफेंडेंट्स के प्रति या किसी एक डिफेंडेंट के प्रति अपने क्लेम को एबंडन कर सकता है या आधे क्लेम को एबंडन कर सकता है। ऑर्डर 32 के अनुसार अगर प्लेंटिफ माइनर है तो कोर्ट की लीव की जरूरत पड़ेगी अगर प्लेंटिफ अपने क्लेम को एबंडन कर रहा है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि ए सूट मस्ट फेल बाय रीजन ऑफ सम फॉर्मल डिफेक्ट और देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर अलाउइंग द प्लेंटिफ टू इंस्टीट्यूट ए फ्रेश सूट, इट मे अलाउ द विथड्रॉल फ्रॉम सूट विद लिबर्टी टू इंस्टीट्यूट ए फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट और पार्ट ऑफ द क्लेम। पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, दोनों पार्टीज ने मिलकर कंप्रोमाइज कर लिया है और पार्टीज केस को विड्रॉ करना चाहती हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एप्लीकेशन फॉर रिकॉर्डिंग ए कंप्रोमाइज एंड ग्रांटिंग परमिशन फॉर विड्रॉल ऑफ सूट की ड्राफ्टिंग के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम कोर्ट का नाम लिखेंगे, फिर सूट नंबर लिखेंगे जो भी केस का नंबर है, फिर ईयर लिखेंगे किस ईयर में केस फाइल हुआ, फिर पार्टीज के नाम लिखेंगे एबीसी रेजिडेंस ऑफ प्लेंटिफ वर्सेस एक्स वाई जेड रेजिडेंस ऑफ डिफेंडेंट, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे कि एप्लीकेशन हम कोर्ट में किस चीज के लिए लगा रहे हैं, किस रूल के तहत लगा रहे हैं, किस कानून के तहत लगा रहे हैं। एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 23 रूल 3 रीड विद सेक्शन 151 सीपीसी 1908 फॉर रिकॉर्डिंग ए कंप्रोमाइज एंड ग्रांटिंग परमिशन फॉर विड्रॉल ऑफ सूट। दोस्तों जब हम एप्लीकेशन का सब्जेक्ट लिखते हैं और उसमें सेक्शन लिखते हैं तो कोर्ट को आसानी होती है आपकी एप्लीकेशन पर कार्यवाही करने के लिए। दोस्तों जब भी हम कोर्ट में कोई भी एप्लीकेशन लगाते हैं तो हमें एप्लीकेशन का जो सब्जेक्ट है वो क्लियर लिखना चाहिए कि हम एप्लीकेशन किस चीज के लिए लगा रहे हैं और किस कानून के तहत लगा रहे हैं। अब हम लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोवेद, फर्स्ट पैराग्राफ में हम यह लिखेंगे दैट द प्लेंटिफ हैज फाइल्ड ए सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन बीइंग सूट नंबर, जो भी डिटेल है वो लिखेंगे, विच इज पेंडिंग बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट एंड इज फिक्स्ड फॉर हियरिंग ऑन। सेकेंड पैराग्राफ में हम यह लिखेंगे दैट इन द अबव मेंशनड सूट द प्लेंटिफ हैज प्रेड फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन रिलेटिंग टू द एलिज्ड टेनेंटेड पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी बियरिंग नंबर एंड फॉर डैमेजेस। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम यह लिखेंगे दैट द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट्स हैव नाउ कंप्रोमाइज्ड द मैटर, the plaintiff has agreed to relinquish his all rights, title and interest in the alleged aforementioned tenanted portion of the property
pursuant to the deed of settlement dated on the terms and conditions as mentioned in the compromise deed annexed hereto and marked as annexure A, to which the defendants agree. अब हम यह लिखेंगे in view of the above. It is most respectfully prayed that this honorable court may record the compromise between the parties as per the compromise deed dated annexed hereto and permit the suit to be withdrawn, leaving the parties to bear their own cost. फिर इसके बाद प्लेंटिफ के साइन होंगे, डिफेंडेंट के साइन होंगे थ्रू एडवोकेट, प्लेस, डेट. दोस्तों, जो प्लेंटिफ है केस डालने के बाद किसी भी वक्त अपने केस को विड्रॉ कर सकता है. अगर वो विड्रॉ कोर्ट की परमिशन के साथ करता है तो वो उसी ग्राउंड पर फ्रेश सूट डाल सकता है. दोस्तों, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट केस की किसी भी स्टेज पर कंप्रोमाइज कर सकते हैं और अपने केस को विड्रॉ कर सकते हैं. दोस्तों, इस वीडियो में हमने रिकॉर्डिंग ऑफ कंप्रोमाइज एंड विड्रॉल ऑफ सूट की एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग के बारे में सीखा है. दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रगणों को भेजें ताकि उनको भी इस वीडियो में दी गई जानकारी का फायदा मिल सके. धन्यवाद.